Good morning, students. This is Sasikant sir, welcoming you to the web classes. Today we are going to see statistics subject in the 11th commerce English medium. The name of chapter is collection of data, and this is lecture number one of statistics. Let's see. So in first see the introduction of statistics. अब पहले ये देख लेते हैं जो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो सबसे पहले कहाँ से आया. सो द स्टैटिस्टिक वर्ड इज डिराइव्ड द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, है ना. इसकी स्पेलिंग कैसी थी, स्टैटिस्टिक के था लास्ट में. वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द पर्सन गॉड फ्राइड एकेनवॉल इन 1749. ओके, देन अगर स्टैटिस्टिक्स बात करें, ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को. ये स्टैटिस्टिक्स है क्या, है ना. तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको समझना हो तो आप इतना समझ सकते हो कि जब भी किसी डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक. जैसे कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है पिछले 10 सालों से, अगर हम उसे एक रो फॉर्म में लिखें, एक डेटा उसका प्रिपेयर करते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स. अगर पिछले 10 सालों से हम अगर ये देखें क्या डेथ रेट रही है इंडिया की, क्या बर्थ रेट है, वो भी है स्टैटिस्टिक. अगर हम किसी एक स्कूल के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो भी है स्टैटिस्टिक. तो स्टैटिस्टिक मतलब न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा रिलेटेड विद सम इवेंट्स, रिलेटेड विद सम पर्सन, नेशन, स्टेट एंड और एटसेट्रा एनीथिंग. ओके, सो स्टैटिस्टिक वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द पर्सन नेम्ड गॉटफ्राइड एकेनवॉल. Then the probability theory, already you know what is probability in the 10th standard, you had a separate chapter for it. So probability theory was found in the 17th and the 18th century, whose two giants were Laplace and Gauss. So Laplace and Gauss were the person who contributed major contribution in formulation of probability theories. The first statistical body, the Royal Statistical Society, was formed in London. तो लंदन में सबसे पहली statistical body आई थी जिसका नाम क्या था, the Royal Statistical Society. The advanced field of statistics was developed in the late 19th and 20th century. Galton and Carl Pearson used mathematical statistics in science, industry and in politics. देखो गाल्टन और कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन तो बहुत गजब इंसान है, ठीक है, क्योंकि हम आगे जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको कार्ल पियर्सन का नाम देखने मिलेगा, इवन इन 12th स्टैंडर्ड आल्सो. सो कार्ल पियर्सन वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, वी कैन से. फिशर एंड गॉसेट इनिशिएटेड टू डेवलप द मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हु डेवलप द मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस, तो नेम इज फिशर एंड गॉसेट. फिशर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक. सो फिशर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक. Carl Pearson is known as founder of mathematical statistics. The Royal Statistical Society was formed in London in 1934. Gottfried Eckenwald has used the word statistic for the first time. So introduction में कुछ points हैं जो कि याद रखने लायक हैं. इसमें से question कितने बनेंगे, तो जितने points हैं उतने question बनेंगे. देखते हैं growth of statistics in India. अब India में statistics का growth कैसा रहा वो देख लेते हैं. So in India the ISI, हमारे पास में एकदम सबसे बड़ी स्टैटिस्टिकल बॉडी है, तो वो है ISI, जिसका फुल फॉर्म है द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाई द वेल नॉन प्रोफेसर PC महालनोबिस इन 1931 इन कलकत्ता. ओके, क्यों कलकत्ता में, क्योंकि एट दैट टाइम कलकत्ता वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. सो इन 1931 कलकत्ता PC Mahalanobis has founded what? ISI. The name is Indian Statistical Institute. Okay. Then he means PC Mahalanobis. He started the first postgraduate course at Calcutta University in 1941. For the collection of data, government approved National Sample Survey. इन्होंने एक proposal रखा था government के सामने कि sir जो population के inquiry, population, unemployment, poverty, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, उसका नाम रखा
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दिया कब, 1950 को। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिसर्च का देखा जाए तो हमारे पास में एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है, नाम है उसका IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज द अनदर इंस्टीट्यूट विच कंट्रीब्यूट अ लॉट इन डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है, हालांकि इसके ऊपर एक बुक लिखनी हो तो भी कम पड़ जाए। ओके, आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। सो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। रिपीटेड विद मी, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद व्हाट, कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। दिस थ्री पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ओके, सो होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। सो स्टैटिस्टिक्स के साथ में एक और चीज़ है जो है OR कहते हैं, जिसे जो इंडस्ट्री सेक्टर, वॉर या इन सब चीज़ जगह में बहुत काम आता है, उसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल रिसर्च। ये स्टैटिस्टिक का एक सेपरेट ब्रांच है, ये क्या है डिटेल में अभी तो नहीं बता सकता, बट जब हम क्लासरूम में मिलेंगे श्योर आप अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो इसका आंसर जरूर दूंगा। सो nowadays statistics not only useful for the quantitative data but it is also useful for the qualitative data. How we can say why not only for the quantitative data, क्योंकि आजकल statistics एक ऐसा हो गया है जिससे आप किसी के mind को भी read कर सकते हो। Why mind, मतलब उसके behavior को भी समझा जा सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर किसी हम किसी इंडिविजुअल की बात करें जिसके इंस्टाग्राम की पोस्ट अगर देखें, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट अगर देखें और देखें कि कितने बार उसने सैड पोस्ट रखा है, कितनी बार उसने हैप्पीनेस वाले पोस्ट रखे हुए हैं, तो उसकी पोस्ट से भी ये पता चलेगा कि नहीं भाई सैड है आज। क्यों? क्योंकि उसके स्टैटिस्टिकल डेटा बताते हैं कि वो इमोशनली फिल हो चुका है। समझ में आ रहा है? आज आप देखो गूगल के सर्च इंजन में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे ऐड पॉपअप होकर के निकलते हैं, और वो वही ऐड पॉपअप होकर के निकलते हैं जो आपने पहले कभी सर्च किए हैं। एक दिन अगर आप मोबाइल सर्च करके देखो तो दूसरे दिन आपके गूगल अकाउंट जैसे आप ओपन करोगे या फिर जो भी कहीं किसी भी एप्लीकेशन पे जो ऐड पॉपअप होगी वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड होगी। हाँ, क्यों? बिकॉज दे नो यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर द क्वांटिटेटिव पर्पज बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द क्वालिटेटिव पर्पज। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ओके, सो आज का होमवर्क है आपके, आज के जो हमने इतने स्लाइड्स देखी, जो हमने इतने क्वेश्चंस देखे, उसमें से कुछ होमवर्क बनता है। वो क्या है होमवर्क, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता ही होगा आंसर, मैं एक बार आंसर बताता हूँ। द नेम ऑफ पर्सन इज गॉटफ्राइड एकनबॉर्ग, हु डेवलप द probability theory, then what is the name of first statistical body, London wali, who is the founder of mathematical statistics, ek naam tha, who is known as father of statistics, write down the full form of ISI and IASRI, who established ISI 1, then define statistics, write down the full name of operational research. So hopefully aapko itna idea aa raha hoga, ye sare question aapko likhne hain aapke fair book mein और उसके आंसर्स भी साथ में लिखना है। इतना अगर आप करोगे तो आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिक वर्ड जो है फर्स्ट टाइम गॉटफ्राइड एकनबॉर्ग ने यूज़ किया था। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन अगर है तो लैपलेस और गॉस ने दिए। रॉयल स्टैटिस्टिक्स बॉडी जो है वो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी थी जो कि लंदन में है, 1934 में एस्टेब्लिश की गई थी। गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन जो है मैथमेटिकल साइंस के फाउंडर हैं। कार्ल पियर्सन को फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। फिशर एंड गॉस हैड डेवलप द मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस। फिशर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। ओके, देन हमने ये देखा कि ग्रोथ इन इंडियन, ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। सो ISI वॉज एस्टेब्लिश बाई द PC महलनोबिस इन 1931 इन कलकत्ता। ओके, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन स्टैटिस्टिक वॉज स्टार्टेड इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1941। फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन
proposed by the P.C. Mahalanobis in the year 1950, Indian Agricultural Statistic Research Institute, IASRI, is another institute which contributing a lot in development of statistics. Then, definition of statistics. Statistics is the science which deals with the collection, analysis, and interpretation of numerical data. Nowadays, statistics is not only useful for the quantitative data, but also for the qualitative data. OR is a branch of statistics which was used during the Second World War. अगर ये भी question पूछा जाए कि Second World War के time पे statistics का कौन सा form use किया गया था, so that was OR, operational research. So hopefully you have got the point. So thank you students for the listening. Stay home and stay safe.